बेस्ट चंपारण चिकन की प्लेस बताने जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही ऑथेंटिक वे में बनाया गया है चिकन, उसी तरह से अखे अखे लहसुन प्याज और बहुत सारे स्पाइसेस घी में बना है ये देसी स्टाइल मटके वाला चंपारण चिकन। जी हाँ दोस्तों, चंपारण मटन तो आपने बहुत बार खाया होगा, मगर ये है चंपारण चिकन। सो ये चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं ये लोग बहुत ही अलग अलग मसाले से, जैसे कि हो गया हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाले, ये डाल दिए मिर्ची। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, हर जगह सूरत में आपको ये नहीं मिलने वाली, लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ही सेकंड्स में, तो वीडियो स्किप मत करना। ये डाल दिया सरसों का तेल। सूरत में कहीं पे भी आपको कोई डाउट है कौन सा कैफ़े अच्छा है, कहाँ का बेस्ट मिलता है खाना, तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे foodie_on_Enfield। और ये बहुत सारे प्याज के टुकड़े, अब इसको ठीक से मिक्स करेंगे। सो जो प्लेस है वो है ब्रदर्स रसोई, जहांगीराबाद सूरत में है ये। फुल एड्रेस मैंने नीचे कैप्शन में भी मेंशन किया और वीडियो में भी मैंने लिख दिया है। सो अब ये मैरिनेट हो गया है, अब इसमें डालेंगे मटके में ये अखे अखे लहसुन, दालचीनी, इलायची और ये तेज पत्ता। रेसिपी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मगर बनाने लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इसको एग्जैजरेट कर लिया है कि पता नहीं क्या है ये, बहुत ही कठिन चीज़ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत इजी में घर पे भी आप बना सकते हो। बस आपके पास मटका होना चाहिए और इस तरीके से कोयले वाला तंदूर होना चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो आई गेस आप इसको गैस पे भी बना सकते हैं मेरे ख्याल से। ये देखिए तेल वेल भैया ने डाल दिया है, इसको मिक्स कर दिया है और अब इसमें जाएगा ये प्याज, कटे हुए डाइस्ड अनियंस, खूब सारी क्वान्टिटी। अनियंस ही एक बेस होता है किसी भी नॉनवेज डिश का, जिसमें उसको वो कंसिस्टेंसी मिलती है, वो थिकनेस मिलती है, वो क्रीमीनेस मिलती है, एक वेट मिलता है। और ये चिकन जो हमने रखा था मैरिनेट करके, उसे अब इसमें डाल देंगे और फिर इसको हम पैक करेंगे। ये चिकन आप खाइए, एक चावल की रोटी आती है, राइस की जो रोटी बनती है, वो रोटी आई गेस तवे पे नहीं सेकनी है, उसको एक तरीके से ब्लांच किया जाता है, स्टीम करके बनती है वो। एक मटके में कितना केजी? बहुत ही यूनिक लगता है इसके साथ में, या अगर आप गुजरात के गांव साइड आप अगर जाते हो सौराष्ट्र साइड, तो वहाँ पे आपको रोटलो मिलता है। रोटलो जो होता है वो ज्वार या बाजरे का रहता है। और ये देखिए ऊपर ये दिए जैसा इन्होंने लगा दिया, जिसको हम बोलते हैं सकोरा। और अब इसको ये आटे से जो है पैक कर देंगे। सो गुड, नॉट बैड, टेस्ट अच्छा था दोस्तों, मैंने ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा था। अच्छी प्लेस है, जा सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और ट्राई कर सकते हो वहाँ पे ये चंपारण चिकन। अब इसको पैक करने के बाद कुछ घंटों के लिए हम छोड़ देंगे इस भट्टी में। और देखिए पक चुका है, ये भैया इसको हिला रहे ताकि फुल जो ऑयल है, बटर है या जो भी हम कहें, वो मिक्स हो जाए अच्छे से। और जो वेट हम कर रहे थे, इतने घंटों से इंतज़ार कर रहे थे, वो पूरा होने वाला है। तो ये भैया जल्दी से ओपन कर दो यार, ठीक है ओपन कर ही रहे हैं। सो इसकी जब ये बॉक्स भाइयों को जब ये मटका ओपन किया गया था, तो इसकी जो स्मेल थी बहुत ही अमेजिंग। ये देखिए, ओह सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये, बहुत ही सौंधी सी खुशबू थी इसकी, जो कि हम बोलते विलेज साइड का जो देसी मटन चिकन बनता है उस तरीके से था ये। मुझे चंपारण मटन खाना था यार, बट ठीक है अभी चिकन था तो चिकन ही खा लेते हैं। ये देखिए, ओए होए होए होए, बहुत ही बढ़िया। सो जाइए आप भी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और ट्राई करिए ये मटके वाला चंपारण चिकन, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यमी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।